स्पोर्ट्स और दूसरा बॉलीवुड, जहाँ पर कम एज के बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। स्पोर्ट्स में तेज ग्रुप होता है बट बॉलीवुड में एज ग्रुप नहीं होता, उसी को सोच को देखते हुए इस शो को बनाया। और हमारे सतमोला कंपनी के CMD हैं अनिल मित्तल जी, जो ऑलरेडी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोजेक्ट से साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े भाई की तरह हैं। कनिका मिश्री जी हैं, आप जानते होंगे दियाबाती में, ये वाहिद अली जी हैं, युवा फोर्स के ऑनर हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए अपना जमीन तक दान में दे दिया गवर्नमेंट को। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये दिल्ली से है जो शो में एक्टिंग कर रहा है, हर संडे संडे आता है। दीप प्रभा बिहार से, ये ऑर्फन हाउस से निशान जो शो में आ रहा है। तो मैंने ऑल इंडिया लेवल पर ऑडिशन लिया था ऑर्फन हाउस जाकर, उनको लैपटॉप में फॉर्म भरना सिखाया था, बॉम्बे ले आकर ट्रेनिंग क्लास दी थी उनको, उनको लेके मैं आया हूँ शो में, जो भी इसमें पहली बार कोई डायरेक्टर नहीं किया और एक्टिंग वर्कशॉप्स भी करी हैं। अब बहुत जल्द Season 4 भी लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर जूनियर वर्सेस सीनियर लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल मीडिया की हेल्प लेके ऑडिशन, जो भी अपने आप को कैलिबर समझते हैं वो अपना ऑडिशन दे और सिलेक्शन टीम द जूरी मेंबर्स उनको सिलेक्ट करके अगले राउंड तक पहुंचाते हैं। मोबाइल से वीडियो बना के आप YouTube पर डाल के हमें लिंक्स भेजते थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को सिलेक्ट किए हैं। पार्टिसिपेट तो दिल्ली से 14 लाख बच्चे किए थे, करोड़ों बच्चे ऑल इंडिया से किए थे पार्टिसिपेट। शो पूरा बन चुका है, ये टेलीकास्ट स्टार्ट है 24 चैनल पर, इसके 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, आइए अगस्त तक शो चलेगा। ये इंडिया से वहाँ के लाखों बच्चे थे, नेपाल से थे, कैलिफोर्निया से, इटली से थे, क्योंकि ऑनलाइन से फॉर्म भरे थे। कुछ बच्चे आए भी, उसके बाद अंडोमान निकोबार से थे, आसाम से, मतलब 16 स्टेट के बच्चे इंडिया से थे, इंडिया से बाहर के बच्चे थे। ये लास्ट सीजन है। इसके लास्ट सीजन के बच्चे थे ना, वो उनको मैं हिंदी पिक्चर फिल्म दिया था, मैं खुद फिल्म बनाता हूँ, हिंदी फीचर फिल्म टीवी सीरियल बनाता हूँ, उनको मैं काम दिया था। इसी हॉल के अंदर हमारी मूवी का सिलेश भैया ने पीसी किए थे 30 मिनट मूवी में, उसमें सारे जितने भी आर्टिस्ट 30 मिनट मूवी का, सारे बच्चे नंबर में डांस बाज के थ्रू आगे बढ़े थे। इसमें कितने और पांच बच्चे हैं? इसमें 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, बाकी हमने ऑल इंडिया लेवल पर ऑडिशन लिए थे। बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि गवर्नमेंट्स के सपोर्ट के बिना आप नहीं कर सकते, और जा के बाबा जाना, मिलना, समझाना, उनके सपने को बढ़ाना। हम पूछते थे बेटा तुम्हें क्या बनना है, तुमको पता ही नहीं मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, उनका एज 18 साल 17 साल 16 साल, उनको दिमाग दिया मैंने, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। ट्रेनिंग क्लास दी, बॉम्बे ले गए उनको प्रॉपर, वहाँ मठ में हमने फॉर्म हाउस बुक किया, वहाँ पर पूरा ग्रूमिंग क्लास दिया हमने बच्चों को, फिर हमने फिल्म सिटी में सेट लगाया, बहुत बड़ा सेटअप लगाया, किसी एंगल से शो का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है।